हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाली है। तो देखिए गाइस, हमारे जो बाल हैं वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं। और आप किसी की भी, चाहे वो एक स्त्री हो या पुरुष हो, आप बिना बालों से उसकी कल्पना करें तो वो बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो बालों की जो है वो केयर करना बहुत ही ज़रूरी है, इन्हें हेल्दी रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बाल अगर हेल्दी हो तो वो अच्छे लगते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे वो लंबे हों। और बाल हमारे घने होते हैं, लंबे होते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि उनके बाल जो हैं इतने अच्छे नहीं हो पाते हैं, जिसका कारण है कि वो अपने बालों की अच्छे से देखभाल नहीं करते। और सच बताऊं तो हम जैसे गांव में रहते हैं तो इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि हम जैसे स्पेशल कुछ केयर करवा सकें अपने बालों की। तो इसके लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही खास होम रेमेडी। तो वो है एक नेचुरल ऑयल, तो उसको बनाऊंगी आज मैं और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो ऑयल हम बनाएंगे ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हेयर ऑयल है, और आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे जो आपके बाल है वो रिकवर होना स्टार्ट हो जाएंगे। और बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है, तो अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे, हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार आपको ये यूज़ करना है, तो अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे ना तो आपको खुद ही अपने बालों में खुद ही चेंजेस देखने को मिलेंगे, कि आपके जो न्यू हेयर ग्रोथ होगी, छोटे छोटे बाल आपके उगने शुरू हो जाएंगे और आपके बाल जो हैं वो बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा बातों को ना उलझाते हुए, आपको बातों में ना पकाते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये देखिए जी, ये मैंने 4-5 आंवले लिए हैं, तो ये ना हमारे घर के आंवले हैं। तो मैंने आपको बताया है कि मेरे आंगन में आंवले का पेड़ है, तो फ्रेश आंवला है ये। अगर आप चाहें तो आंवला पाउडर भी ले सकते हैं आप इस ऑयल को बनाने के लिए, लेकिन फ्रेश आंवले लेंगे तो ज़्यादा बेटर है घर में, क्योंकि वो बिल्कुल प्योर होते हैं और पाउडर का हमें कोई पता नहीं होता कि वो प्योर है कि नहीं है, जो हम मार्केट से लाते हैं। तो देखिए, इन आंवलों को अच्छे से धो लेना है, और धो के देखिए मैंने इनको अच्छे से पोंछ लिया है, सुखा लिया है। और अब इसके मैं छोटे छोटे पीसेस करूँगी। तो और साथ में जो हम इसमें और भी डालने वाले हैं वो है, ये देखिए, ये है कलौंजी। तो कलौंजी हम लेंगे इसमें 2 चम्मच। तो मैं ना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तेल नहीं बना रही हूँ, मतलब 250 ml तेल लूँगी मैं, और उसी में 2 चम्मच हमें ये कलौंजी डालनी है। तो कलौंजी जो है वो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियबल होती है। इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और बालों को रीग्रोथ करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर, और साथ ही इसमें एक एसिड होता है जो कि हमारे बालों को बहुत ही तेज़ी से बढ़ने में और उन्हें ग्रो करने में मदद करता है। साथ में हम इसमें डालने वाले हैं मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड। तो ये देखिए, 2 चम्मच ही हम इसमें मेथी दाना डालेंगे। तो मेथी दाना में फाइबर और मिनरल्स होते हैं, जैसे कि इसमें आयरन और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है, साथ ही इसमें कुछ प्रोटीन भी होता है जो हमारे बालों को स्ट्रेंथ देने में मदद करता है। तो देखिए, इस ऑयल को बनाने वाले हैं हम लोहे की कढ़ाई में। तो देखिए, लोहे की कढ़ाई जो है वो अच्छे से गर्म हो चुकी है। तो जब भी आप इस ऑयल को बनाएं तो आप लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल एल्युमिनियम की कढ़ाई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है इसमें 250 ml। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें नारियल तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और यहाँ पे ज़्यादातर हेयर में लगाने के लिए मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल किया जाता है। मस्टर्ड ऑयल में ओमेगा 3, ओमेगा 6 और इसमें बहुत सारे और भी तत्व पाए जाते हैं। तो ये एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसके अंदर, फैटी एसिड भी इसके अंदर पाया जाता है, साथ ही ये विटामिन ई से भी भरपूर होता है। पहले मैंने इसमें आंवला डाला है, तो आंवले के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे मैंने, साथ में ये दोनों चीज़ें भी इसमें डाल दी हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हमें कुछ नहीं करना है, बस ऐसे धीरे धीरे चलाते जाना है, और इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे, बहुत ही ज़्यादा लो फ्लेम पे ही हम इसे पकाना है, ताकि जो भी हमने इसमें ये तीनों चीज़ें डाली हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो इस ऑयल में आ जाएँ और ये जलें बिल्कुल ना,
बहुत ही लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। और देखिएगा, जब अभी देखिए इसमें बहुत सारी झाग दिख रही है आपको, तो मैं बताऊंगी आपको कि आपको कितना पकाना है इस ऑयल को। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और जो कोई भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और विलेज लाइफ से रिलेटेड और होम रेमेडीज से रिलेटेड चैलेंजिंग वीडियोज़ कुकिंग आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। और देखिए इस तरह से हमें इसे पकाना है। तो ये जो ऑयल है ना, वो बिल्कुल हेल्दी होगा हमारे बालों के लिए, क्योंकि जो हम मार्केट से आंवला ऑयल लाते हैं उसका हमें पता नहीं होता कि उसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं, और उसमें खुशबू देने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। लेकिन जो ये वाला आंवला तेल बनेगा, ये बहुत ही प्योर होगा, शुद्ध होगा, क्योंकि हमने इसे खुद अपने घर पर बनाया है, अपनी आँखों के सामने, अपने हाथों से। और अगर आप इस ऑयल को एक महीने तक रेगुलर यूज़ करोगे तो आपके जो बाल हैं वो झड़ने बंद हो जाएंगे। ये बिल्कुल आजमाया हुआ नुस्खा है गाइस, तो प्लीज़ आप इसको रेगुलर यूज़ करें। और अगर आप इसे लगातार एक साल तक यूज़ करते हैं तो आपके जो बाल हैं, जो मतलब काले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो वहाँ पे दिखेंगे आपके, वहाँ पे नए बाल उगेंगे आपके, वो भी काले। और जो सफ़ेद होने लग गए थे काले बाल, वो होने बंद हो जाएंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से जो हमारा आंवला है वो बहुत ही गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और देखिए बहुत ही अच्छे से इसने अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इस आंवले के तेल में दे दी हैं, जो हमने सरसों का तेल इसमें डाला है। साथ में जो हमारा मेथी दाना है और कलौंजी है, वो भी अच्छे से पक चुके हैं, क्योंकि हमने इसे बिल्कुल ही लो फ्लेम पर पकाया है, तो ये जला बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए ऑयल का कलर जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अगर जैसे जल जाता ना तो बिल्कुल काला काला सा हो जाता सारा कुछ ये। लेकिन हमने इसे बहुत ही स्लो फ्लेम पे पकाया है, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से हमारा ऑयल तैयार हो चुका है। तो बस अब हम गैस को कर देंगे बंद, और इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। तो इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए ऑयल को ठंडा होने के लिए हमने रख दिया है, और अभी मैं आपको बताऊंगी वीडियो में आगे कि हमें किस तरह से इसको अपने बालों में अप्लाई करना है। और अभी हमें, अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, अभी एक स्टेप जो है वो करना बाकी है। तो देखिए यहाँ पर ये ऑयल ठंडा हो चुका है, और ये देखिए ये मैंने एक जार ले लिया है, इसके अंदर मैं डालूँगी इस ऑयल को। तो एक स्ट्रेनर हम ले लेंगे, या फिर जैसे एक पतला सूती कपड़ा होता है ना, उसको ले लेंगे। देखिए जैसे मैंने लिया है, तो इसमें हम इसको इस तरह से लगा लेंगे जार में, और जो हमारा ऑयल है उसको हम इसमें इस तरह से डाल लेंगे, ताकि जो ये कलौंजी और जो ये आंवला है ये ऊपर रह जाए। तो जो ये बाकी का बच गया है, इसका भी मैं आपको एक बहुत ही अच्छा यूज़ बताऊंगी गाइस, और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आप यहीं पे ही स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अभी मुझे आपको ये भी बताना है कि आपको इस ऑयल को कब लगाना है और किस तरह से अप्लाई करना है। तो मैं इसको अभी देखिए इसमें भर के रख लेती हूँ। तो ये ऑयल जो है ना, वो आप एक साल तक स्टोर करके आराम से रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने पानी नहीं डाला है। तो ये देखिए जो ये बच जाता है ना, इसमें अभी बहुत जान, मतलब जान तो क्या, इसमें काफ़ी सारे अभी भी बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स बचे हुए हैं। तो इसको आप मिक्सी में पीस के और इसका अच्छा सा पेस्ट बना के, हेयर पैक बना के अपने बालों में लगा सकते हैं, तो आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होगा ये भी गाइस। और देखिए ये हमारा शुद्ध घर में बनाया हुआ आंवला तेल बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। और आंवला तेल क्या बताऊं मैं आपको, ये आंवला तेल नहीं, ये एक औषधि बोली है बालों के लिए, क्योंकि सिर्फ हमने आंवले का प्रयोग नहीं किया है इसके अंदर, हमने और भी डाली है दो तीन इतनी अच्छी चीज़ें जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। और कलौंजी तो हमारे बालों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉनिक होती है, क्योंकि ये हमारे बालों को काला करने में भी मदद करती है। और मेथी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा कंडीशनर होती है, डैंड्रव को रोकती है, और जो हमारे बाल झड़ रहे होते हैं उन्हें भी झड़ने से रोकती है, बालों को मजबूती देती है, और हमारे बाल जो है वो बहुत ही चमकदार हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं। आंवला जो है वो एक नेचुरल हेयर डाई का काम करता है हमारे बालों के लिए। तो देखिए गाइस, हेयर ऑयल तो हमने बना लिया, लेकिन अब उसको अप्लाई कैसे करना है।
तो ये देखिए, ये है वो हेयर ऑयल जो अभी हमने बनाया है। तो ये आंवला ऑयल है और बहुत ही अच्छा होता है। मेरे ना पता क्या डैंड्रफ हुआ था, तो इससे ना डैंड्रफ बिल्कुल ख़त्म हो गया था। इसको आप किसी कटोरी में लें, अभी मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, जितना आपको यूज़ करना है उतना ही आप इसको कटोरी में लें और उसके बाद आप इसका ढक्कन बंद कर दें। तो देखिए, थोड़ा सा हमें इस तरह से लेना है ऑयल, ऐसे लेंगे हम, इस तरह से थोड़ा सा उंगलियों में लगाएंगे और बालों की बिल्कुल ऐसे जड़ों जड़ों में इसको हमें इस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। और अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग जो ये हमारे नेल्स होते हैं ना, नाखून, इनसे करते हैं ऐसे ऐसे मसाज। ऐसे नहीं करनी है हमें, हमें बिल्कुल जो हमारी ये उंगलियों के आगे की पोर्स है, यहाँ से हमें ऐसे मसाज करनी है अपने बालों की, इस तरह से। तो ये इफेक्ट करेगा और हमारे जो जड़ें हैं वो नरिश्ड होंगी इससे, तो बाल जो है वो ऑटोमेटिकली नरिश्ड हो जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से करनी है, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ऑयल आपको लेना है, मैं आपको हैंड पे दिखाती हूँ, अब मेरा हैंड है ये, तो इस पे देखिए ऑयल हमें ऐसे ऐसे लगाना है, ऐसे 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 नहीं लगाना है। देखिए ऐसे ऐसे, कई ऐसे नाखून से लगाते हैं ना, ऐसे नहीं लगाना है हमें, इस तरह से लगाना है, इस तरह से जड़ों जड़ों में। इस तरह से आप इस ऑयल को अपने बालों में अप्लाई करें, देखिए कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ आपको लगाना है तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। और हल्की हल्की हाथों से आपको मसाज करनी है, देखिए इस तरह से आप लगाएंगे तो आपको बहुत ही रिलैक्स महसूस होगा। तो अच्छा, अब ये भी है कि आपको ये हेयर ऑयल कब लगाना है। तो जब भी आपको सिर धोना हो, तो जैसे आपको सोमवार को मतलब मंडे को सिर धोना है, तो आप संडे की रात को ये ऑयल अपने बालों में लगा सकते हैं। और ओवरनाइट आप इसको रखेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट करेगा, और अगर ओवरनाइट आप नहीं रख सकते हैं तो कम से कम आपको सिर धोने से 2 घंटे पहले इस ऑयल को अच्छे से अपने बालों में अप्लाई करना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है, और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और जो कोई भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, बाय बाय।